जो कार्यक्रम है इसके जरिए एक छोटे समूह को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा और इस सेक्टर में उनका इंटरवेंशन भी बढ़ेगा। मैं टुल्लू साहब और हमारे सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस पर हमें और भी विचार करना है कि कैसे बहनों को और मजबूत कर सकें। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की 611 पशु सखियों को 16 दिन की ट्रेनिंग देकर ए हेल्प वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए एम्पावर किया जाएगा। हेल्प करके एक नया इनिशिएटिव आज लॉन्च किया गया। यह हेल्प के जरिए पशु सखियों को पशुओं के सारवार के लिए, उसको संभालने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए वो वैक्सीनेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए और छोटी मोटी सहायता करने के लिए वो काबिज हो। इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर पशु सखियों को जोड़ने का और ट्रेनिंग देने का एक प्रोग्राम है ए हेल्प के नाम से, उसको आज लॉन्च किया है। आज यहाँ एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की दो स्कीमों को लॉन्च किया गया। एक स्कीम है उसको कहते हैं ए हेल्प, ये बेसिकली एक्सटेंशन वर्कर है गांव में, एक पैरावेट समझ लीजिए, जो कि जो डेयरी फार्मर्स हैं या जो बाकी शीप फार्मर्स हैं, गोट फार्मर्स हैं, उनको एनिमल हेल्थ में मदद करेगा। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में हम देखते हैं आशा वर्कर्स हैं, उसी पैटर्न पर वेटनरी सेक्टर में और एनिमल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये ए हेल्प को शुरू किया गया है। ये पायलट लॉन्च था, अभी कुछ 7-8 स्टेट्स या यूटीज़ को चुना गया है, उसमें से जम्मू कश्मीर को भी चुना गया है। तो उसका आज पहला जो बैच है ट्रेनिंग का, उसकी ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है। और हमारा जो प्रोग्राम है कि फर्स्ट फेज़ में हम कोई 3000 ए हेल्प को तैनात करेंगे ट्रेन करने के बाद। और दूसरा था ये मोबाइल वेटनरी यूनिट, जिस तरीके से एक इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सर्विस चलती है 108, उसी तरह से जानवरों के लिए भी उनके लिए कॉल सेंटर सेटअप किया गया है, 1962 नंबर है। और ये 50 इस तरीके की मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स 25 कश्मीर में और 25 जम्मू में, इनको भी आज इनॉग्रेट किया गया है।